नमस्कार दोस्तों, नी नोटिफिकेशन आउट किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सेलेक्शन किस तरफ से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट 8 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के बीच में कर सकते हैं। CBT का डेट मेंशन नहीं किया गया है, बट वेन एवर CBT डेट विल बी रिलीज्ड आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इंटीमेट कर दिया जाएगा। टोटल वेकेंट फीस 9,144 है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1,092 वेकेंट फीस है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट में 8,051 वेकेंट फीस है। हम नीचे में देखेंगे जोन वाइज वेकेंट फीस कि कौन से जोन में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वेकेंट फीस है। राइट, अब जानते हैं एप्लीकेशन फी। FE/ST एक्स सर्विस मैन, PWDF फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 250 रुपीज़ पे करना होगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप CBT में अपीयर हो जाएंगे तो आपके डिडक्शन का जो फी है 250 रुपीज़, इसको रिफंड कर दिया जाएगा। राइट, प्रोवाइडेड आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद जब भी CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आपको अपीयर होना होगा। देखिए, ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 500 रुपीज़ पे करना होगा। और CBT एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिया जाएगा। राइट, इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या BSc फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिक स्ट्रीम के किसी भी सब स्ट्रीम के कम्बिनेशन में होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होने चाहिए एबव बेसिक स्ट्रीम्स में, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए एबव बेसिक स्ट्रीम्स में। नेक्स्ट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट में क्वालिफिकेशन 10th+ ITI किसी भी रिकग्नाइज NCBT या FEBT से फोर्जर एंड हीट थ्रेटर या फाउंड्री मैन या पैटर्न मेकर या मॉल्डर रिफ्रैक्टरी ट्रेड में होने चाहिए, या फिर 10th+ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिलेटेड ट्रेड में कंप्लीट होने चाहिए। अब दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। राइट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट के लिए एज 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए एज 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन को नीचे में हम देखेंगे। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हैं। राइट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 के मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के बेसिक से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जो CBT एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। राइट, अब दोस्तों सिलेबस को जानते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट में जनरल अवेयरनेस से ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फॉर देट आप एग्जामिनेशन का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएं। कंप्यूटर और एप्लीकेशंस के बेसिक से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। मैथमेटिक्स से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट में मैथमेटिक्स से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोस्तों आप इसको स्क्रीन शॉट ले लें। राइट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस से ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। अब दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो जिस भी ट्रेड से आप वैकेंसी को अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टेस्ट बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। राइट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड से अप्लाई करेंगे तो किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। राइट, अब जानते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट में 7th CPC के अनुसार इनिशियल बेसिक पे 29,200 दिया जाएगा, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट में 7th CPC के अनुसार 19,900 इनिशियल बेसिक पे दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि डियर नेफ अनाउंसेस, हाउस रेंट अनाउंस, ट्रांसपोर्ट अनाउंसेस, और भी एटसेट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, अब दोस्तों जानते हैं जोन वाइज वैकेंसीज और पोस्ट वाइज, एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी आप देख लीजिए, तो डाल लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों अहमदाबाद जोन में टोटल 761 वैकेंसीज है, आप यहाँ से पोस्ट वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली आप अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, फिर यहाँ से भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज,
रांची, जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों आप देख लीजिए वैकेंसीज को, राइट। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा, राइट। और दोस्तों आप यहां से एनेक्सर वन को देख सकते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है ये एनेक्सर में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप एससी एसटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ से एनेक्सर को देख लीजिए, ये ओबीसी एनपीएल का एनेक्सर है, फॉर्मेट है, आप यहाँ से देख लीजिए। ये इनकम सर्टिफिकेट का है, ईडब्ल्यूएफ का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये एनेक्सर है, इसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए ताकि जब भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट आउट होगा तो आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। अगर बाय द वे मैं किसी दिन बिजी रहा तो टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।